नमस्कार, मैं वर्षा, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र सौंपा। बताया जा रहा है कि सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने निर्वाचन आयोग को शिकायत करते हुए एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आचार संहिता के बाद ट्रांसफर होने की बात कही। साथ ही उन्होंने आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने की मांग की। बता दें कि मंझुआ सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद सपा नेता ने अपने पत्र में लिखा है कि उपचुनाव के ऐलान के बाद 35 पुलिस कर्मियों का तबादला हुआ। मंझुआ क्षेत्र के कई थानों के पुलिस कर्मी बदले गए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी बीजेपी का सम्मेलन कर रही है, वो भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। इन्हें तत्काल मिर्जापुर से बाहर ट्रांसफर किए जाने की मांग की गई है। साथ ही आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने की भी मांग की है श्यामलाल ने। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के महाराजगंज इलाके में हुई हिंसा के बाद अब स्थिति सामान्य है और बहराइच में इंटरनेट सेवा फिर से बहाल कर दी गई। बहराइच में हुई हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी ने अफवाहों से सभी को दूर रहने के निर्देश जारी किए और सोशल मीडिया की हर भ्रामक पोस्ट पर नजर रखी जा रही है। तो वहीं बहराइच सोशल मीडिया सेल की तरफ से जारी की गई अपील में कहा गया कि 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटी घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना, जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना और उसके नाखून उखाड़ना, ये सारी बातें फैलाई गई, जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया। तो वहीं इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। वहीं उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें और भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित ना करें। दिनांक 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या को लेकर के सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही, जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। बता दें कि बहराइच में अब स्थिति सामान्य नजर आ रही है। इस बीच पुलिस ने एक अपील की है लोगों से। बहराइच में पिछले 3 दिनों से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जो अब बहाल हो गई है। अब बहराइच में इंटरनेट सेवा सभी के लिए खोल दी गई है। इस बीच पुलिस ने अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह ना तो फैलाएं और ना ही अफवाहों पे यकीन करें। बताया जा रहा है कि बहराइच हिंसा में जिस युवक की मौत हो गई थी, उसके बारे में ये अफवाह उड़ाई गई थी कि उसे करंट लगाया गया था, उसे तलवार से मारा गया था और उसके नाखून उड़ाए गए थे, जिसके बाद अब पुलिस ने ये कहा कि इस तरीके की कोई भी घटना नहीं हुई थी, ये पूरी तरीके से अफवाह थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि युवक की मौत सिर्फ गोली लगने की वजह से हुई थी, इसके अलावा और कोई किसी तरह की बर्बरता उसके साथ नहीं की गई थी। बता दें कि उसके साथ कोई बर्बरता नहीं की गई थी, ये कहना है पुलिस का। में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक मामूली कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद वो विवाद इतना बढ़ गया कि उसने एक प्रदर्शन और दंगे का रूप ले लिया था। दंगे में बहराइच में जगह जगह आगजनी की गई थी, लोग सड़कों पर उतर आए थे। इस बीच एक युवक वीडियो में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दिखाया जाता है कि एक युवक घर पे चढ़कर वहाँ पे लगे उनके झंडे को, काले झंडे को उतार के वहाँ पे भगवा लहराने लगता है। इस बीच किसी के जरिए उसे गोली मार दी गई थी।
बाद में ये वीडियो के जरिए अफवाह फैलाई गई थी कि उसके साथ काफी बर्बरता किया गया था, उसे कई जगह गोली मारी गई थी, तलवारों से उस पर हमले हुए थे, करंट लगाया था, साथ ही उसके नाखून उखाड़े गए थे, ऐसी भी अफवाह उड़ाई गई थी। बाद में ये कहा गया कि पुलिस ने ये कहा कि ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दे। हमारे साथ बहराइच से हमारे संवाददाता अजीम मिर्जा जुड़ चुके हैं। बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार अजीम मिर्जा बहराइच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीम जी, क्या कहना इसके बारे में कि 3 दिन बाद अब इंटरनेट सेवा बहाल हो गई है और पुलिस का कहना ये बताया जा रहा था कि उस युवक को नाखून उखाड़े गए थे, तलवारों से हमला किया गया था, पुलिस तो कह रही है कि ये सारी चीजें झूठ थी, अफवाह थी। देखिए, आज एडिशनल एसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बाकायदा मीडिया सेल पे एक वीडियो जारी किया है जी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि तलवार का मारा जाना और नाखून उखाड़ा जाना ये सब सरासर गलत है, ये अफवाह है। और इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं कि कल सीएमओ संजय कुमार का बयान सामने आया था। संजय कुमार ने मीडिया को बताया था कि उसके चेहरे पर एक चोट का निशान था, तलवार के किसी तरीके के कोई निशान नहीं थे, 25 से 30 छर्रे उसके लगे हुए थे और उन छर्रों से लगने से जो खून जरूरत से ज्यादा बह गया था इसकी वजह से उसके मौत हुई थी। एक नाखून उसका पैर का थोड़ा सा 25% टूटा हुआ था, लेकिन वो किसी और कारण से चोट से भी टूट सकता है या हो सकता है कि उसके ऊपर किसी ने कोई जोरदार अड्डा वगैरह कोई मार दिया हो, लेकिन जो उसके नाखून उजाड़े जाने की बात चल रही थी, मीडिया में भी चल रही थी और सोशल मीडिया में भी चल रही थी, इसका सभी अधिकारियों ने पुरजोर तौर से खंडन किया है। जी अर्चना जी, अजीम जी, और सीधे तौर पर कहना कि जो अफवाहें उड़ी थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि काफी बर्बरता के साथ उसे मारा गया था, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि उसकी मौत गोली लगने और खून पहने की हुई वजह से हुई है और उसके साथ कुछ नहीं किया गया था। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रही हैं संजय। देखिए, ऐसे मामलों में अफवाहें बहुत ज्यादा उड़ती हैं संजय, लेकिन जो है अफवाह के ऊपर इसीलिए आज एडिशनल एसपी की अपील भी आई है कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। और मैं खुद भी ये कहना चाहूंगा कि ऐसी किसी अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। अब स्थितियां बिल्कुल यहां पर सामान्य है, इंटरनेट सेवा भी बहराइच की बहाल कर दी गई है, रात 12 बजे से इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। जो घटना स्थल महाराजगंज है वहां खुशी की बात यह है कि 2-3 दुकानें भी आज खुली देखी गई हैं, फिलहाल और सारी दुकानें अभी नहीं खुली हैं, अभी एक अजीब सा सन्नाटा है। और जिस हमीद के घर में घटना हुई थी उनके घर में कोई नहीं, पूरा घर खुला हुआ है, उनका लॉकअप भी टूटा हुआ है, उनके घर में जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे थे वो सारे कैमरे वगैरह गायब हैं। और वो ये जो 4 आदमी मुख्य आरोपी हैं उसमें से साहिल खान गिरफ्तार हो गया है और 3 की तलाश जारी है, हमीद की तलाश जारी है, सरफराज की तलाश जारी है और ननगांव की तलाश जारी है। जी अर्चना जी, अजीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पुलिस की तरफ से अपील कि किसी भी अफवाह को ना तो फैलाएं ना अफवाहों पे ध्यान दें।